आधार कार्ड के न्यू अपडेट एप्लीकेशन में काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, जिसे आप आधार कार्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे काम मोबाइल फ़ोन पर ही कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड डाउनलोड करना, आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना, आधार कार्ड वेरिफिकेशन कराना, मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना, QR कोड जनरेट करना, VID यानी वर्चुअल ID जनरेट करना और साथ ही डिजिटल आधार कार्ड कैरी करना, जिसे आप कहीं भी वेरिफिकेशन के लिए शो कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में मैं डिटेल में दिखाने वाला हूं कि आधार कार्ड के न्यू अपडेटेड एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आधार को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर के सर्च बार में हम लिखेंगे M आधार। जैसे ही लिखेंगे आपके सामने इस तरह का आइकन आ जाएगा, तो उस पर सिंपल से क्लिक कर देना है। हमने पहले ही यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट आप डाउनलोड हो जाएगा आपको। यहाँ पर जो परमिशन मांग रहा है अलाउ करते जाना है। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा, स्किप करेंगे। इस तरह से आने के बाद गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है गेट स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ लिख कर आएगा, इसको पूरी तरह से रीड कर लेना है और आई कंसेंट पर क्लिक करना है। इस तरह से आपके सामने में खुलकर आ जाएगा। लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज इसमें दिया हुआ है, करीब 14 भाषा में यह है, तो हम इंग्लिश को ही रखने देते हैं और डन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर को मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको यहाँ पर इंटर करेंगे, पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP भेज दिया जाएगा, जो कि OTP को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद आगे हम कुछ देर वेट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है My आधार, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप अपना पिन चूज करेंगे, 4 डिजिट का पिन इंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर देंगे, इस सुरक्षा कोड को इसमें इंटर करेंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आपके सामने यहाँ पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका आधार कार्ड का डेमो सामने आ जाएगा। देख सकते हैं ये फर्स्ट पृष्ठ है, ये उसके बैक पृष्ठ है। इस तरह से आपका यहाँ पर प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा और फीचर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है डाउनलोड आधार। यदि आप आधार कार्ड बनवाए हैं और उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे। इस पर 2 ऑप्शन क्लिक कर आता है। फर्स्ट को आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपका फोटो और आधार नंबर सारा डिटेल्स आएगा, लेकिन आप सेकंड को क्लिक करेंगे तो इसमें ना ही आधार नंबर आपका शो होगा और ना ही आपका फोटो शो होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ रहा है। पहला है आधार नंबर, दूसरा है वर्चुअल ID और तीसरा है एनरोलमेंट ID नंबर, जो आपको वहाँ पर दिया जाता है, पर्ची में होता है। तो आपके पास अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर से करेंगे और वर्चुअल ID है तो वर्चुअल ID से खोलेंगे। हम यहाँ पर आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर पर क्लिक करते ही यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करना है और सुरक्षा कोड को इंटर करना है, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आपको OTP प्राप्त हो जाएगा, उस OTP को वेरीफाई करेंगे तो आपका आधार नंबर डाउनलोड हो जाएगा। ओपन करने पर आपके सामने ये PDF ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये PDF जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसमें आप पासवर्ड को इंटर करेंगे तभी ये PDF ओपन होगा। पासवर्ड क्या होता है, आपका फर्स्ट नाम का 4 लेटर और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसका एयर होगा, यानी कि आपका नाम अगर गुलजार है तो उसका फर्स्ट 4 लेटर कैपिटल में डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ लास्ट में जो है एयर वाला उसको इंटर करेंगे। तो इसको इंटर करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई आधार,
और इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना होगा 12 डिजिट का। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा कोड स्कैन हो रहा है, अपडेट हो जाएगा, तो उस सुरक्षा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट पे सीधे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर बता रहा है कि डियर रेसिडेंस आपका एक्टिव है आधार कार्ड, और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर कौन सा उस पर रजिस्टर है वो भी शो कर देगा, उसका 4 डिजिट, और आपका आधार नंबर, एज भी बता दिया जाता है, और मेल या फीमेल है वो भी यहाँ पर बता दिया जाता है। अगर आपके पास कोई QR कोड सेंड किया है और उसको स्कैन करना है तो यहाँ पर QR कोड स्कैनर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका QR कोड स्कैन करना शुरू हो जाएगा और आपके सामने उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। अगर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को वेरीफाई कराना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर वेरीफाई ईमेल या मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना ऑप्शन चुन लेंगे। वेरीफाई मोबाइल नंबर करना चाहते हैं या ईमेल आईडी को, तो हम अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और इस सुरक्षा कोड को इसमें इंटर करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपके सामने में खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर बता रहा है दिस द मोबाइल नंबर योर इनवायलेटेड ऑलरेडी वेरीफाइड विथ योर रिकॉर्डेड, यानी कि आपका जो है ऑलरेडी वेरीफाई है। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे तो आप ईमेल एड्रेस को भी वेरीफाई इसी तरह से कर सकते हैं। बाद है QR कोड जनरेट करना। QR कोड का बहुत इम्पोर्टेंट है। QR कोड को जनरेट करने के लिए यहाँ पर सिंपल से जनरेट QR कोड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर अपना आधार नंबर को एंटर करना है, यहाँ पर इस सुरक्षा कोड को और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को पुनः यहाँ पर रखकर सत्यापित करेंगे तो आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। अगर आप अपना वर्चुअल आईडी को जनरेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए जनरेट वर्चुअल आईडी पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल यहाँ पर इंटर करना होगा आधार कार्ड नंबर और यहाँ पर जो सुरक्षा कोड इंटर करना होगा और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना होगा। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP ही को पुनः यहाँ पर वेरीफाई करने से आपका वर्चुअल आईडी जनरेट कर दिया जाएगा। अगर आप अपना पेपरलेस KYC कराना चाहते हैं तो सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। इसमें आपके पास जो कोड होगा शेयर कोड वो इसमें इंटर करना होगा और यहाँ पर सुरक्षा कोड जो है यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना होगा। रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करते ही आप अपना मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त कर दिया जाएगा। उस OTP को इसमें पुनः से वेरीफाई करना होगा और ऐसे करते ही आपका जो है पेपरलेस ऑफलाइन KYC हो जाएगा। ऑनलाइन पिन यहाँ पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर अपना जो है एड्रेस को बदल सकते हैं। अगर उसमें करेक्शन कराना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। इसमें आप अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, इसमें सुरक्षा कोड को इंटर करेंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे। वो OTP पुनः यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप अपना आधार में एड्रेस करेक्शन कर पाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड बाद में करा दिया जाएगा पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है। यहाँ पर नेक्स्ट है रिक्वेस्ट एड्रेस वैलिडेशन लेटर। इसमें एड्रेस को अगर प्रूफ करना है तो ये सारा ऑफलाइन भी होता है। उसके लिए रिक्वेस्ट वैलिडेशन लेटर को अपॉइंटमेंट करना होता है। नेक्स्ट है बुक ए अपॉइंटमेंट। आप चाहते हैं कि आपको आधार सेंटर पर लाइन का सामना ना करना पड़े तो इस यहाँ से आप बुक अपॉइंटमेंट लेटर को जारी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर करेंगे तो डायरेक्ट आपको लाइन में नहीं लगना होगा, डायरेक्ट आप वहाँ पर काम करा सकते हैं। तो नेक्स्ट है माई आधार। इस पे क्लिक करते हैं, इसमें आप अपना पिन को जनरेट करेंगे। 4 अंक का पिन होगा और फिर दोबारा वही पिन को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपका
पूरा डिटेल आधार कार्ड का आ जाएगा और एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। हाँ सर, आप इस पर अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कितने बार अपना आधार कार्ड में अपडेट कराए हैं, तो यहाँ पर सिंपल से क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पर अपना 12 अंक का डिजिट उसमें क्लिक एंटर करना है और इस सुरक्षा कोड को इसमें एंटर करेंगे और OTP सेंड OTP पर इस पे क्लिक करेंगे। टाइम का देखना चाहते हैं या उसमें आप अपना डेट इंटर करेंगे और इंटर OTP करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपके सामने पूरा और दिखा डिटेल को दिखा दिया जाएगा कि आपने कितना बार किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिक्वेस्ट हमने किया है तो उसके लिए कितने चीज है, तो आधार स्टेटस को भी देख सकते हैं, आधार अपडेट स्टेटस को देख सकते हैं, एड्रेस अपडेट स्टेटस को भी यहाँ से देख सकते हैं और वैलिडेशन लेटर को भी यहाँ पर देख सकते हैं। चाहे तो आप दोबारा प्रिंट मंगा सकते हैं आधार कार्ड का। आप यहाँ से अपने बैंक अकाउंट के साथ कौन सा आधार कार्ड आधार लिंक है वो भी देख सकते हैं कि आधार सेंटर कहाँ है, तो इसके लिए यहाँ पर सिंपल से लोकेशन पर क्लिक करेंगे। पे क्लिक करते ही आपका लोकेशन डिटेक्ट करना शुरू हो जाएगा और वहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर जाना है। इस तरह से आपका सारा आधार सेंटर दिखाना शुरू हो जाएगा। अगर आप बाय सर्च टेक्स्ट यहाँ पर कर सकते हैं, आप सर्च भी करके ढूंढ सकते हैं, तो आपके सामने इस तरह से आपके करीबी जो जितना भी आधार सेंटर है सारा दिखाई दे देगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको एम आधार से सारी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आने हैं पर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।